तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट यूनिट के बारे में, जो है आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लास्ट यूनिट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि राइट अबाउट प्रीलिमिनरी स्टडीज़ रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में हमें कुछ डिटेल देना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड थर्ड है इसमें एसिड ड्रेन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, यानी आप लोग ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट एंड लीगल एक्ट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि डिस्कस द एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज़ यूनिक सोर्स, यानी वाटर एक यूनिक सोर्स क्यों है। अगला क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज़ स्केयर सोर्स। अगला क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस वेरियस मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से वेरियस मेजर्स हैं। टेन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है एंड व्हाई इट इज़ नीडेड, यानी इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेन वाटर, यानी रेन वाटर के क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं हार्वेस्टिंग में। और अगला क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस वेरियस मेजर्स विच कैन बी टेकन फॉर वाटर सीड मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डेवलपमेंट लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ नेटिव पीपल एंड डिस्कस द लाइट ऑफ सम केस स्टडी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट आर एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द नीड ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स हैज़ RCN। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एथिकल बिहेवियर ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है एंड व्हाई इट इज़ चेंजिंग, ये क्यों चेंज हो रहा है, एंड गिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मार्बल लिप्रोसी। एंड 19 नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मनुष्य के जो हेल्थ है उनके लिए जो एसिड रेन है वो किस तरह से हार्मफुल है, क्या इफेक्ट करता है। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ओजोन होल, ओजोन होल क्या है एंड वेयर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, और इसे कहाँ डिस्कवर्ड किया गया पहले। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट असॉर्टमेंट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड 22 क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन। एंड 23 क्वेश्चन है कि राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एंड 25 क्वेश्चन है कि ब्रीफ ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, वो है डिस्कस मेथड ऑफ इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ का, आपके एनर्जी एनवायरमेंटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज़ था, जो कि आज हम लोगों ने ख़त्म किया। और जल्द ही मैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो है आपका उसका सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी आपके कलीग हैं, उन तक ये चीज़ पहुंच सके और वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें तो इससे मैच करेगा ही आपके एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।